डॉक्टर साहब, यदि वेश्या से श्रृंगार में भाग लेने से एक ही बार के लिए यौन रोग संक्रमण होगी? वेश्या से मैथुन में भाग लेने से या सेक्स में पार्टिसिपेट करने से एक ही बार के लिए तो आने की संभावना है। आजकल कई वेश्या हैं कंडोम पाने के बिना सेक्स में भाग लेने को वे तो अंगीकार नहीं देते हैं। सेक्स में जब कभी कोई पुरुष उन वेश्या से सेक्स में भाग लेते हैं तब जरूर कंडोम पाने के लिए वे डिमांड करते हैं। कंडोम पाने के बाद ही सेक्स में भाग लेने को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ वेश्याओं में एड्स की बीमारी होती है, गनेरे की बीमारी होती है, सिफिलिस होता है, शैंक्राइटिस होता है, एपिसिम्प्लिस होता है, ये क्योंकि वे कंडोम को उतना इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए कंडोम का इस्तेमाल करने किसी प्रकार का वो डिमांड नहीं करते। कई पुरुष उनसे डायरेक्टली भाग लेते हैं। लेकिन जो वेश्याएं कंडोम पाने के बिना का पुरुष को सेक्स में भाग लेने को वे तो अंगीकार नहीं बोलते हैं, उन महिलाओं में उन वेश्याओं में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। इसलिए आजकल कई वेश्याओं में बहुत एड्स भी में बीमारी नहीं होती, सिफिलिस या गनेरिया शैंक्र कोई भी प्रकार किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहते हैं। लेकिन जिन वेश्याओं में गनेरिया होती है, सिफिलिस होती है, शैंक्राइटिस होता है, एपिसिम्प्लिस होता है, एड्स होता है, वह तो एक ही बार वह पुरुष एक ही बार वे वेश्या बनते हैं, पहले बार ही उनको बीड़ी वेनेरिलिसिस या यौन रोग आने की संभावना अधिक है। इसलिए वेश्या से वो वेश्या कोई भी हो उसकी तबीयत के बारे में कुछ समझ में नहीं रहे इतना। इसलिए वेश्या से जो कोई भी व्यक्ति सेक्स में भाग लेते हैं जरूर कंडोम का इस्तेमाल करना है। कंडोम पहने के बिना सेक्स में भाग लेने से पहले बार ही उसको एड्स आने की संभावना है, गनेरिया सिफिलिस अलग भी इस प्रकार के वेनेरियल डिसीज यौन रोग आने की संभावना है। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. Marini kotta videos kosam ma channel ki subscribe cheyandi, krinda unna bell icon ni activate cheyandi.